नमस्कार भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम अपनी ये फिल्म शेरशाह आपके सामने, फिर शेरशाह की ट्रेलर प्रस्तुत कर सके। ये फिल्म केवल फिल्म ही नहीं, हम सब के लिए, धर्मा प्रोडक्शंस के लिए, इस फिल्म के कास्ट और क्रू के लिए, निर्माता निर्देशक अमेज़न के लिए, ये केवल सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, एक भावना है। शूरवीर परमवीर चक्र विक्रम बत्रा पर आधारित ये कहानी हमारे लिए एक भावना है। सीडीएस जनरल रावत है, एंड आई रिमेंबर माय फर्स्ट विजिट टू जनरल रावत्स ऑफिस अलोंग विद लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी हु वाज द डीजी इन्फेंट्री ड्यूरिंग दोस डेज। एंड रावत सर ने मेरे को पूछा, विशाल, व्हाट कैन द आर्मी डू फॉर यू? और मैंने सर को अपनी इच्छा जाहिर करी कि सर, सिंस विक्रम वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ द वॉर वेटरन्स, एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय हिज ब्रेवरी, सो मैंने सर को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया कि सर, हम एक मूवी बना रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी पूरी हेल्प करे। एंड ऑफ कोर्स दिस मूवी वाज यू नो गेटिंग मेड अंडर द बैनर ऑफ धर्मा प्रोडक्शन, और शबीर बॉक्स वाला है काश एंटरटेनमेंट के, जिन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया था। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दिस मूवी अंडर द बैनर ऑफ धर्मा आई थिंक हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई हैव बीन इन दिस जर्नी अलोंग विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उन्हीं दिनों में बस ऐसा हुआ कि यू नो ऑफ कोर्स इन 2016 में व्हेन वी जस्ट थॉट दैट हु शुड बी द कास्ट, और फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट सिद्धार्थ मल्होत्रा इन बॉम्बे, एट दैट टाइम वी थॉट दैट वर्क शुड बी ऑन। और उसके बाद आई थिंक पिछले 4-5 साल की जर्नी, बाय द वे करण एंड हिज टीम, एंड ऑफ कोर्स फुल क्रेडिट टू द डायरेक्टर विष्णु वर्धन, शबीर एंड ऑल द क्रू मेंबर्स एंड ऑल द टीम मेंबर्स बोथ फ्रॉम धर्मा एंड काश, आई थिंक दे हैव डन अ फेनोमिनल जॉब, एंड आई एम होपिंग दैट द ब्रेवरी व्हाट विक्रम शोड इन द वॉर, आई थिंक इट वुड रियली इंस्पायर अ लॉट ऑफ द यूथ इन द कंट्री टू रियली इंस्पायर देम टू जॉइन द फोर्सेस। सो थैंक यू सो मच करण सर फॉर डूइंग दिस ऑनर एंड ब्रिंगिंग दिस, एंड थैंक्स वंस अगेन टू जनरल जोशी एंड द इंडियन आर्मी एंड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर ब्रिंगिंग दिस एटलीस्ट राइट ऑन द कमेमोरेशन ऑफ 22nd विजय दिवस। सो थैंक यू सो मच, इंडियन आर्मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, और मैं अमेज़न की तरफ से और हर एक मेरे कलीग्स की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभारी भी हूँ कि आपने हमको इस फिल्म में कैसे एक अनुभव है पेश करने का मौका दिया है। धर्मा के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, और जब करण जी ने और अपूर्वा जी ने हमसे पूछा, कहा कि देखो एक यूनिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, माहौल बहुत बुरा है, हम इंस्पायर कर सकते हैं स्टोरी के साथ, हमने तो एक क्षण में डिसीजन ले लिया कि ये अगर करेंगे तो अमेज़न पे करेंगे और वर्ल्ड प्रीमियर ही करेंगे। मुझे गर्व इस बात की है कि 12 अगस्त को ये पिक्चर जब वर्ल्ड प्रीमियर होगा, विच इज लिटरली 3 days बिफोर आवर 74th इंडिपेंडेंस डे, good evening officers and gentlemen and the ladies, we are so proud today to be part of this lovely evening, and especially Karargil Divas, which is a very important part of the Indian Army, a day which they celebrate every year. Actually maine Vikram Batra ke bare mein padha tha, jab maine unke bare mein padha tha aur unki bravery ka सारा जो हर नेट पे अवेलेबल है, मैंने इमीडिएटली पता किया कि इनकी फैमिली के बारे में जाना है, वेंट एंड मेट विशाल बत्रा एंड हिज फादर मिस्टर बत्रा, एंड दे वर सो वेरी काइंड दैट इन माय फर्स्ट मीटिंग दे अग्रीड टू गिव मी द राइट्स, एंड दैट डे वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। गुड इवनिंग एवरीवन, सच कहो तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ आज, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड इट्स अ ह्यूज ऑनर। सो आई वुड आई मीन
I don't think any amount of words will justify the gratitude that we all have in our hearts for each one of you and for all that you do. And I would also like to take this moment to thank the families here. Salute you for your support, your prayers, and make the true pillars of strength to the men in our Indian Army and the women. Shesha is, you know, there are some films which change you professionally, but then there are those that change you personally, and Shesha is that film for me. Thank you to the Batra family, thank you to Dimple, thank you to the Indian Army and everyone who has made this possible for us. Good evening, everyone. Namaste. Well, पहले तो मैं इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको यहाँ पे इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारी ये बहुत ही स्पेशल पिक्चर की का ट्रेलर दिखाने का मौका दिया, क्योंकि ये कहानी आप सब जैसे ट्रू रियल हीरोज़ के बारे में है. और मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला, बहुत ही लकी समझता हूँ कि मुझे एक ऐसा ट्रू रियल लाइफ हीरो के बाद बड़े पर्दे पर निभाने का मौका मिला. मैं यहाँ पे स्टेज जो सारे हमारे टीम के लोग हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन सब ने एक छोटे से हिस्से में मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, ये जान दी कि हम आप जैसे एक रियल लाइफ हीरो की कहानी इस बड़े पर्दे पर दिखा पाए. तो मेरे लिए दिन बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि हमारी ये जर्नी तकरीबन 5 साल पहले शुरू हुई थी विशाल बत्रा जी के साथ. और पहली पिक्चर है जहाँ पर मैं एक रियल ट्रू लाइफ हीरो की कहानी दर्शा रहा हूँ, चाहे उनकी उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो. और आज इसी या और आज कारगिल पे जहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मैं बस यहाँ चाहूँगा कि ये एक पिक्चर से बढ़ के एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इसे देखें और एंड गॉड विलिंग पसंद करें. तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर कॉलिंग अस हियर एंड वॉचिंग अवर फिल्म. शायद 22 वर्ष की आयु में तेरा जम्मू और कश्मीर राइफल में जन्म लिया. इतिहास के पन्नों में 22 वर्ष कोई ज्यादा लंबे समय नहीं माना जाता है, लेकिन आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर उन 527 वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए वीरगति प्राप्त करी. और इसी कारण आज हम इस तरीके से इस इलाके में बैठे यहाँ जश्न मना रहे हैं. हमें बहुत खुशी होती है कि इस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है. आप सभी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं. ये केवल एक शुरुआत है. हम यही चाहेंगे कि आपके द्वारा अन्य वीरों पर भी फिल्म दर्शाई जाए. भारतीय सैनिक जब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो अपनी जान को अपनी हथेली में रखकर, कफन को सिर पर बांधकर युद्ध में प्रवेश करता है और वहां जाकर बोलता है, या तो मैं सरहद पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लपट कर वापस आऊंगा. और अगर मुझे मौत का सामना करना पड़े तो मैं मौत को भी हरा दूंगा और यम को बोलूंगा फिर कभी बाद में. अगर ऐसे ही मौके मिलते रहे इस फिल्म के द्वारा, जैसे कि बताया गया कि 200 देशों में ये फिल्म दर्शाई जाएगी, मेरे ख्याल में हिंदुस्तानी फौज का जज्बा, हमारे जवानों का साहस
इस फिल्म के द्वारा हमारे प्रतिद्वंद्वियों के लिए वो संदेश भेजेगा कि अगर आप हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। और इसके लिए हम धर्मा प्रोडक्शंस और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आने वाले सालों में हमारी इच्छा यही रहेगी कि बाकी जो वीर यहाँ पे रहे हैं, न केवल कारगिल में बल्कि 71 की लड़ाई में और बाद में भी जो वीर हमारे हुए हैं, उन पर भी अगर फिल्म दर्शाई जाए तो हम उनको भी इसी तरीके से इज्जत दे पाएंगे। जितने भी 527 योद्धाओं ने जिन्होंने अपनी जान न्योछावर करी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उनकी आत्माएं आज यहीं कहीं मंडरा रही हैं और वो देखकर खुश हो रहे होंगे कि किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज हमारे सम्मुख बहुत से परिजन हैं जिनके बेटों ने, पतियों ने, बच्चों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी जान निछावर करी। हम आप सबको आज यहाँ मौजूद होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल का युद्ध एक बहुत ही यूनिक युद्ध था, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल इलाके में लड़ा गया, सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाके में लड़ा गया। हम यहाँ पर आज इस बैटल ग्राउंड में मौजूद हैं। इस लड़ाई में दुश्मन जो है पहाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ था और हमने नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ पर चढ़ना, दुश्मन पर हमला करना और उसको कब्जा करना था, और ये बिल्कुल ही नामुमकिन एक टास्क था। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया तो इंडियन आर्मी ने एक एक करके हर पीक के ऊपर हमला किया और दोबारा उसको रिकैप्चर किया। इस लड़ाई के दौरान इंडियन आर्मी ने कई शूरवीर पैदा किए, जिनमें से कई यहाँ पर मौजूद हैं, कईयों की फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने बहुत सैक्रिफाइस किए, जैसे सीधे साहब ने अभी बताया। और इनमें से एक था मेरे पटन का कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र। उसके साथ मेरा बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि वो मेरा कंपनी कमांडर था और मैंने उसको पलटन में बड़े होते देखा था। और जब उसने 0.4875 के ऊपर हमला करके बिना पल झपके अपनी जान तक नछावर कर दी, तो उस वक्त मैं उससे केवल 200 मीटर पीछे बैठा हुआ था। मुझे बहुत खुशी है आज कि विक्रम बत्रा के बहादुरी की कहानी आज धर्मा प्रोडक्शन इस मूवी के द्वारा पूरे देश में पूरे यूथ को मोटिवेट करेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि ये कहानी, इसकी प्रेरणा की कहानी हम पूरे देश को सुनाएंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।